Ramane Rahim, students. I'm here with Sadaf Zahra. I will teach you the computer of grade two. Open your books, chapter number six, drawing in paint. Page number fifty-six, drawing in paint. The first topic is about curve tool. The curve tool is used to draw curved lines in the shapes group click the curve tool click the size button and then select a thickness for the curve tool basically what is a curve tool curve hota kya hai there are two lines अ स्ट्रेट लाइन एंड अ कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ठीक है दिस इज़ नॉन एज द स्ट्रेट लाइन एंड वॉट इज़ अ कर्व टूल कर्व टूल इज़ लाइक दिस वे ठीक है जो थोड़ी सी जिग जैग में होती है दैट इज नॉन एज अ करव टूल और जो बिल्कुल लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी इन दिस वे दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन सो इन द शेप्स ग्रुप क्लिक द कर्व टूल शेप्स ग्रुप में आप जाएंगे और वहाँ पे आप कर्व टूल को क्लिक करेंगे क्लिक द साइज बटन एंड देन सेलेक्ट अ थिकनेस फॉर द कर्व टूल पहले आप बटन का साइज क्लिक करेंगे और फिर आप उसकी थिकनेस देंगे कि आपने उसको कितना ज़्यादा उसको थिक रखना है ठीक है

क्लिक आउटलाइन पहले आप आउटलाइन को क्लिक करेंगे एंड देन चूज अ लाइन स्टाइल सो आई एम रिपीटिंग ऑल दिस पॉइंट्स पहले आप शेप्स ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे आप कर्व टूल को क्लिक करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आप साइज बटन पे जाएंगे और साइज बटन को क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे थिकनेस ऑफ द कर्व टूल इन द थर्ड पॉइंट इन द कलर ग्रुप आप कलर ग्रुप में जाएंगे और फिर कलर वन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप कलर सेलेक्ट करेंगे आपने कलर वन को क्लिक करना है और फिर कलर को सेलेक्ट करना है एंड इन द शेप्स ग्रुप पहले आप आउटलाइन को क्लिक करेंगे एंड देन यू विल चूज अ लाइन स्टाइल ब्रिंग द माउस पॉइंट ऑन टू द ड्राॅइंग एरिया नोटिस दैट द माउस पॉइंट चेंजेस फ्राम एन एरो टू अ पॉइंटर विद फोर हैड्स सबसे पहले क्या होगा जो ही आप माउस को लेकर आएंगे, माउस पॉइंटर को जब आप ड्राइंग एरिया पे लेकर आएंगे इट विल चेंजेस फ्रॉम एन एरो टू अ पॉइंटर विद फोर हेड्स, ठीक है माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा इन द एन अदर शेप उसकी शेप क्या आ जाएगी पॉइंटर विद फोर हेड्स, देन यू विल ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ लाइन क्लिक द लाइन एंड ड्रैग द माउस टू गेट अ कर्व come to the next page page number 56 shapes group you can use the shapes group in paint to draw different type of ready made shapes like rectangle ellipses triangle arrows hearts stars lightning bolts and many more in the shapes group Click a ready made shapes. Click the size button and then select a thickness of the line. In the color group, select color 1 and then select a color. Click color 2 and then select a color to fill the shape. दो चीज़ें हैं जब आप कलर वन क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ कलर को सेलेक्ट करेंगे बट जब आप कलर टू क्लिक करेंगे तो फिर आप उसकी इन प्रॉपर शेप के अंदर भी आप उसको कलर फिल करेंगे और वो किस चीज़ से होगा क्लिक जब आप कलर टू को क्लिक करेंगे क्लिक द आउटलाइन बटन एंड सेलेक्ट अ लाइन स्टाइल फोर्थ पॉइंट आपका क्या है आप आउटलाइन बटन को क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सेलेक्ट अ टाइल ऑन द फिफ्थ पॉइंट क्लिक द फिल बटन एंड सेलेक्ट अ फिल स्टाइल एंड कम टू सिक्स पॉइंट टू ड्रॉ द शेप क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया ड्राइंग डिफरेंट शेप्स दीज आर द शेप्स जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप ये वाले शेप्स ड्रा कर सकते हैं ठीक है

ड्रैक द पॉइंटर आप माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइक दिस वे देन क्लिक ईच पॉइंट वे यू वॉन्ट एडिशनल साइड टू अपीयर फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं आप जहाँ जहां उसको एडिशनल साइड पे अपीयर होना आप चाह रहे हैं तो वहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा शेप्स Still selected, you can do one or more of the following to change its appearance. To change the line style, click outline and then click a line style. You can have shape without an outline by selecting no outline. To change the outline size, click the size button and then select a thickness for the line. In the colors group, क्लिक कलर वन एंड देन क्लिक अ कलर फॉर द आउटलाइन एंड क्लिक कलर टू फॉर अ कलर टू फिल द शेप कलर वन के लिए आपने जस्ट यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है बट वन यू विल प्रेस कलर टू तो आपकी ये इन साइड शेप की इट विल भी ऑटोमेटिकली फिल विद कलर आई होप द टेब पॉइंट इज क्लियर टू यू थैंक यू एंड लफ इज